हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके? सब मजे में? लास्ट क्लास में आपने चार्जिंग सेक्शन ऑफ जीएसटी देखा, विच इज सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इसके 5 सब सेक्शन है, सेक्शन 9, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, 4 एंड 5। सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 बोथ आर फॉर रिवर्स चार्ज। इन दोनों में ही रिवर्स चार्ज की बात कही गई है, पर दोनों के रिवर्स चार्ज में कुछ स्लाइट डिफरेंसेस हैं, और वो लास्ट क्लास में आपको बता दिया गया था। आज आप देखने वाले हैं उन सर्विसेज को जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के तहत रिवर्स चार्ज में फॉल करती हैं, मतलब रिवर्स चार्ज वाली सर्विसेज बट सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 वाली, राइट? चलिए देखते हैं। बट बिफोर वी सी दो सर्विसेस, एक नोटिफिकेशन देखते हैं जो, और ये नोटिफिकेशन भी सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के लिए ही है। नोटिफिकेशन नंबर 5/2017। द पर्सन हु आर ओनली एंगेज्ड इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, द टोटल टैक्स ऑन व्हिच इज लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 are not required to take registration under GST. मान लीजिए मैं taxable goods की supply करता हूं, taxable services की supply करता हूं, लेकिन पता है वो taxable goods and services कौन से हैं जो section 9 subsection 3 में fall करते हैं? मतलब हम जो भी goods and services देते हैं वो सब section 9 subsection 3 वाली है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो कहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ माय टर्नओवर, चाहे कितना भी मेरा अरबों खरबों का टर्नओवर हो, मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बताइए ऐसा क्यों कह रही है सरकार? सरकार इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि आप सेक्शन 9(3) वाले गुड्स एंड सर्विसेज को देते हैं, और सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 वाले गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप देते हो तो जीएसटी आपको पे करना ही नहीं है। यू डोंट हैव टू कलेक्ट जीएसटी एंड पे इट टू गवर्नमेंट। हु इज गोइंग टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट? द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसलिए कह रहा है कि सप्लायर भाई साहब, अगर आप सेक्शन 9(3) वाली गुड्स एंड सर्विसेज देते हो, सिर्फ 9(3) वाली देते हो, इसके अलावा कुछ नहीं, तो कह रहा है भाई आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, और देखिए फिर आगे। अब नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 हैज नोटिफाइड द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कह रहा है फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर इन द होल ऑफ टैक्स विल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। अब नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में उन सर्विसेज को स्पेसिफाई किया गया है जो रिवर्स चार्ज में फॉल करती हैं सेक्शन 9(3) वाली, राइट? नो द क्वेश्चन विच विल कम टू योर माइंड इज कि सर सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही सिर्फ डिफाइंड है क्या, कि गुड्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो रिवर्स चार्ज में फॉल करते हैं 9(3) वाले? तो आई विल टेल यू, दे आर सर्टेन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज जिसपे रिवर्स चार्ज लगता है 9(3) वाला। गुड्स आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है? यू हैव ओनली टू लर्न सर्विसेज। हालांकि अगर आप जल्दी जल्दी से जानना चाहेंगे तो मैं आपको कुछ गुड्स बता सकता हूं जिसपे रिवर्स चार्ज लगता है, गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। बस आप थोड़ा सा जान लें, ज्यादा आपको जानना भी नहीं है इसमें। काजू, ठीक है, बीड़ी, काजू हो गया, बीड़ी हो गया, देन टोबैको, देन सिल्क यान, रॉ कॉटन, लॉटरी, इन सब पे रिवर्स चार्ज होता है, बस आपको जानना नहीं है, आप छोड़ दीजिए। एंड नाउ कम टू सर्विसेज। सबसे पहली सर्विस जिस पे रिवर्स चार्ज लगता है वो सर्विस होती है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। अगर आप ले रहे हैं किससे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यहां पे हम बताएंगे सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सी है, कौन सप्लायर है, कौन रेसिपिएंट है, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। मतलब सब कुछ बताया हुआ है कि भाई ये वाली सर्विस की हम बात कर रहे हैं, अगर ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए सर्विस तो यही है जो हम यहां पे लिख रहे हैं, लेकिन सप्लायर कोई और है, उसका रेसिपिएंट कोई और है, जैसा यहां पे लिखा है वैसा नहीं है, तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। मतलब ये तीनों चीज वैसी होनी चाहिए जैसा यहां लिखा गया है, कि ये सर्विस, यही सप्लायर और यही रेसिपिएंट है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या है, जो ट्रक वाले होते हैं, ठीक है, जो लॉरीज वाले होते हैं, ठीक है,
ये लोग जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं उसके लिए कह रहा है उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई रोड टू, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई रोड टू, ठीक है, किसको सर्विस दी जा रही है, अब ये भी बात कर रहा है। एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर और गवर्न बाई द फैक्ट्रीज एक्ट, किसी भी फैक्ट्री को अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस यानी ट्रक वालों की सर्विस किसको दी जा रही है, किसी फैक्ट्री को दी जा रही है, ठीक है, तो कह रहा है जो फैक्ट्री है ना, रेसिपिएंट कौन है यहां पे, फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री ही क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी जीएसटी के लिए, वो जीएसटी पे करेगी, ठीक है। देने वाला सर्विस कौन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अच्छा आप समझते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन होता है, जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, क्या वो सारे लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, नहीं। अगर कोई ट्रॉली से आपका माल ले जा रहा है, ठीक है, कोई छोटी सी टेम्पो से आपका माल ले जा रहा है, तो क्या वो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है गुड्स का, नहीं। किसी को भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं कहते। पता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किसे कहते हैं, वन हु इश्यूज कंसाइनमेंट नोट, जो लोग कंसाइनमेंट नोट देते हैं ना वो जीटीए कहलाते हैं। अब आपके मन में आएगा सर ये कंसाइनमेंट नोट क्या होता है, ठीक है, कंसाइनमेंट नोट वो लोग देते हैं दोस हु एक्सरसाइज लियन ऑन गुड्स, दोस हु एक्सरसाइज लियन ऑन गुड्स। अब आपके मन में आएगा सर ये कौन होते हैं जो लियन गुड्स पे एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको बताएं दोज हु टेक गारंटी ऑफ सेफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। मैं समझाता हूं आपको, आपने कभी सुना है किसी के घर में ट्रांसपोर्ट वगैरह से माल आता हो, मतलब किसी के फादर इस बिजनेस में हो जिसमें वो माल वगैरह बाहर से आता हो, तो आपने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स ऐसा कुछ बोलते होंगे कभी कभी, बिल्टी छुड़ाने जा रहे हैं, दैट बिल्टी, जो आम साधारण भाषा में बिल्टी बोलते हैं, दैट इज व्हाट कंसाइनमेंट नोट इज। पता है कंसाइनमेंट नोट हर कोई इशू नहीं करता, किसी ट्रॉली वाले से माल भिजवा दीजिए तो वो कंसाइनमेंट नोट नहीं देता, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो होती हैं वो कंसाइनमेंट नोट देती हैं। कंसाइनमेंट नोट में, कंसाइनमेंट नोट का मतलब ये होता है कि उसमें वो एक गारंटी देते हैं कि हम आपके गुड्स की सेफ डिलीवरी करेंगे, ठीक है, ये गुड्स हम अपने अधिकार में लेते हैं और हम इसकी सेफ डिलीवरी कराएंगे। अगर कुछ नुकसान होता है तो पता है कौन भरेगा, अगर मान लीजिए जो माल हमने ट्रक वाले को दिया है कि फलानी जगह पहुंचा दो, अगर वो नहीं पहुंचा पाया, बीच में माल चोरी हो गया, कुछ नुकसान हो गया, तो कौन उठाएगा वो नुकसान, वो ट्रक वाला उठाएगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी उठाएगी, इसी बात का वो कंसाइनमेंट नोट देते हैं। कंसाइनमेंट नोट में वो अंडरटेकिंग लिख के देते हैं भाई, गारंटी लेते हैं कि हम इसकी सेफ डिलीवरी कराएंगे, कुछ भी गड़बड़ होता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जो लोग ऐसा कंसाइनमेंट नोट देते हैं ना उन्हीं को गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कहा जाता है। किसी ट्रॉली वाले से अपना माल भेज दीजिए फलानी जगह, बीच में माल गिर गया, ट्राली पलट गई, तो ट्राली वाला थोड़ी ना पैसा देगा, वो तो कहेगा हमारी ट्राली का नुकसान हो गया, हमको भी चोट आ गई, बाबूजी आप ही हमको कुछ दे दीजिए, जो सामान गया आपका तो गया ही, राइट। तो वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या है। तो बहुत साधारण तरीके से आपको समझाएं तो ये जो ट्रक वाले होते हैं ना वही गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जो ट्रक का के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं वो सब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है। क्लियर है सबको? तो अब ये क्या कह रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर किसी फैक्ट्री को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देगी, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किसी फैक्ट्री को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देगी तो वो फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जीएसटी पे करने के लिए, यानी वो जीटीए उसका माल ट्रांसपोर्ट करेगा, जो उसका चार्ज होगा, इस भाई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है तो चार्ज तो लेगा लेकिन जीएसटी नहीं लेगा, जीएसटी वो फैक्ट्री खुद ही जमा करेगी गवर्नमेंट को, ठीक है। हम किस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं भाई, ये बताइए, फैक्ट्री विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ये सब नहीं बोल रहा है, उसकी बात नहीं बोल रहा है, कह रहा है कोई भी फैक्ट्री विच इज रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी एक बात बताइए, हम एक फैक्ट्री है, अनरजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी,
ठीक है, कि हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से माल मंगा पाएंगे, मंगा ही नहीं पाएंगे, हमें मजबूरन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। आपको यही बताया गया है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तब लेने की आवश्यकता पड़ती है जब आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो, राइट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक फैक्ट्री है तो मेरे ऊपर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो हम लेते हैं उस पर जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवर्स चार्ज में आती है, तो हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ माय टर्नओवर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जैसे ऊपर मैंने एक नोटिफिकेशन बताया था, क्या बताया था, अगर हम वो सर्विस देते हैं जो रिवर्स चार्ज में फॉल करती है तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हम वो सर्विस देते हैं क्यों, क्योंकि लेने वाले को ना जीएसटी पे करना है। अब उल्टी बात करते हैं इसी नोटिफिकेशन की, इसी नोटिफिकेशन की उल्टी बात समझिए, हम वो बंदे हैं जिसे रिवर्स चार्ज की, रिवर्स चार्ज वाली सर्विस को लेना है, या हम वो रेसिपेंट हैं जो रिवर्स चार्ज वाली सर्विस लेते हैं, हमें कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जीएसटी की लायबिलिटी मेरे ऊपर आती है पे करने की। तो मेरा टर्नओवर क्या, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, जो हम ले रहे हैं सर्विस, हम जो देते हैं उसको तो गोली मारिए, जो हम ले रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई ना, इसलिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, राइट। तो व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग, ये नहीं कह रही है गवर्नमेंट की जीटीए सर्विस देता है एक रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी वाली फैक्ट्री को, नहीं कह रहा है, कोई भी फैक्ट्री को विच इज रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, मे बी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इट डजंट मैटर, दैट फैक्ट्री विल हैव टू पे जीएसटी, राइट। एंड इफ दैट फैक्ट्री हैज टू पे जीएसटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसे तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, राइट। मैं आपको एक बात बताऊं, भले सरकार जितनी भी कहानी कर ले, हम छोटे व्यापारियों को बाहर रखते हैं जीएसटी के दायरे से, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब जब आप मेरे साथ कानून पढ़ेंगे तो ये बात आप समझ जाएंगे कि अगर हिंदुस्तान में धंधा करना है ना तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आपको कहते सर क्यों, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं आप, गजब बात कर रहे हैं, जब सरकार छूट दे रही है तो क्यों लेना है, क्योंकि सरकार कहती है छोटे व्यापारी तुमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, और अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा तो जीवन भर छोटा ही व्यापारी रह जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके धंधे में कितनी अड़चने आएंगी, वो धंधा ही नहीं कर पाएगा। यानी उस छोटे व्यापारी को अगर बड़ा बनना है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, अड़चने बहुत हैं। अब देखिए ना फैक्ट्री को ही देखिए, हम एक फैक्ट्री है, बताइए रॉ मटेरियल वगैरह कभी तो मंगाने की जरूरत पड़ती होगी ट्रक वर्क से। अब हम फैक्ट्री है, बहुत छोटी सी है, या तो हम एक फैक्ट्री है, ठीक है, अब माल तो मंगाना है रॉ मटेरियल ट्रक से, लेकिन हम नहीं मंगा रहे हैं, हम ट्रॉली से ही थोड़ा थोड़ा मंगा ले रहे हैं, क्या हम, एक बात बताइए, हम कभी भी बड़ी फैक्ट्री भी बन पाएंगे, नहीं, क्योंकि हम तो हमेशा चिंदी चोरी कर रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं नहीं माल थोड़ा थोड़ा ही मंगाते हैं, ट्रक वर्क से मंगाएंगे तो भाड़े पे जीएसटी हमको पे करना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा, पंगे में पड़ जाएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए हम रॉ मटेरियल क्या करते हैं, धीरे धीरे ट्रॉली से थोड़ा थोड़ा मंगाते हैं, अब मेरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल हाई हो जा रही है उसकी वजह से कम माल मंगा रहे हैं, भाई हम बड़े व्यापारी ही नहीं बन पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो देखिए कंपल्शन तो है ही है, आप भले इस बात से मुकर जाइए, लेकिन यू विल फाइंड, अभी तो ये एक चीज दिखा है ना, बट ग्रेजुअली ओवर द कोर्स यू विल फाइंड कि बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। आइए आगे देखिए, तो जीटीए वाला सर्विस किसको दे रहा है, फैक्ट्री को। फिर दूसरा, एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में कोई भी सोसाइटी जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, या फिर कोई भी एक्ट जो चल रहा है उसमें रजिस्टर्ड है कोई भी सोसाइटी, तो वो जब अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेती है तो उसे रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी पे करना पड़ेगा। Who will pay GST? Any society registered under Society Registration Act 1860 or any under any other law for the time being in force. मैं example से समझाता हूं। अगर आप लोग flats में रहते हो तो आपकी जो building होगी ना उसने एक society form कर रखी होगी, right? जैसे मैं जिस building में रहता हूं उसका नाम है Royal Residency Society। ठीक है, इस बिल्डिंग में करीब 384 फ्लैट है, राइट, और सभी फ्लैट ओनर से एक मंथली कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, राइट। ये मंथली कंट्रीब्यूशन क्यों होता है, और जो भी लोग फ्लैट्स में रहते हैं वो मुझसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों से, राइट।
अब ये कंट्रीब्यूशन क्यों लिया जाता है, ताकि जो कॉमन खर्चे होते हैं सोसाइटी की, जैसे अब सोसाइटी के गेट पे गार्ड है, ठीक है, तो वो गार्ड की सैलरी कौन देगा? कोई एक पर्टिकुलर फ्लैट ओनर देगा? नहीं भाई, वो तो सभी लोग को मिलके देना पड़ेगा। तो हर फ्लैट ओनर एक मंथली कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। उस सोसाइटी में हो सकता है पार्क है, कुछ सोसाइटीज में जिम भी होता है, राइट, स्विमिंग पूल होता है, तो इन सबकी मेंटेनेंस में टेम्पल होते हैं बहुत सारी सोसाइटीज में विद इन कैंपस, फिर जो लिफ्ट का ऑपरेशन हो रहा है उस सोसाइटी में, जो कॉमन एरिया की लाइटिंग है, इन सब के खर्चों को निकालने के लिए एक मंथली कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, राइट। अगर मंथली कंट्रीब्यूशन अप टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट होता है, मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं है, शायद 5,000 है या 7,500 रुपए तक है, कि अगर फ्लैट ओनर से एक्स अमाउंट तक लिया जाता है तो जीएसटी लेने की आवश्यकता नहीं है सोसाइटी को। लेकिन अगर एक एक्स अमाउंट से ज्यादा लेना है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीएसटी भी लेना पड़ता है। मान लेते हैं ये अमाउंट 5,000 रुपया है, तो यानी अगर मेरी सोसाइटी हमसे 2,000 रुपया महीना लेती है कंट्रीब्यूशन, एक फ्लैट से 2,000 रुपया महीना, तो जीएसटी नहीं लेना है। लेकिन मान लीजिए 10,000 रुपया महीना लेती है, तो 10,000 प्लस जीएसटी भी लेना पड़ेगा सोसाइटी को, ठीक है। तो भाई ये तो फॉरवर्ड चार्ज हो गया ना, ये तो सोसाइटी सर्विस दे रही है, ये सब इतनी सारी सर्विसेस, लिफ्ट की सर्विस, कॉमन लाइटिंग, ये कॉमन एरिया लाइटिंग की सर्विस, तो इन सब के लिए वो जीएसटी भी लेगी। अगर मान लो 10,000 रुपए का अमाउंट है, तो बड़ा अमाउंट होता है तो लेना पड़ता है जीएसटी भी। अब मान लीजिए मेरी सोसाइटी कम पैसा लेती है, 2,000 रुपया मात्र महीना लेती है हर फ्लैट ओनर से, छोटी सोसाइटी है, प्रीमियम सोसाइटी नहीं है, 2,000 रुपया महीना लेती है बस, तो इस पे जीएसटी तो उसको लेना नहीं है, तो भाई रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया उन्होंने। लेकिन अगर कल को वो जीटीए से कोई सर्विस ले ले, ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्ट से माल आ रहा हो, अब सोसाइटी में ट्रांसपोर्ट से कुछ माल आ सकता है, हाँ, अरे भाई कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम कराना था, या सोसाइटी में जनरेटर आ रहा है ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, अब भाड़ा देना है सोसाइटी को, भाड़े पे क्या करना है, जीएसटी देने की जिम्मेदारी आ जाएगी। तो अब यही कह रहा है भाई साहब, आप अगर जीटीए की सर्विस लेते हो सोसाइटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी खुद पे करना पड़ेगा। लीजिए, अभी तो वो 2,000 रुपया महीना ले रहा था, ऐसे तो जरूरत नहीं थी, लेकिन जीटीए की सर्विस लेने की वजह से जरूरत पड़ जाएगी। तो ध्यान दीजिए, जीटीए की सर्विस रिवर्स चार्ज में फॉल करती है, और बहुत सारे लोग अगर ये जीटीए की सर्विस लिए तो उनको रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी पे करना पड़ेगा, और जीएसटी पे करने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी। फिर देखिए, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अगर सर्विस लेगी तो भी उसको भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट और एजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट, यानी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब ये जीटीए वाला अगर रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी को सर्विस देगा तो भी उसे जो रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। एनी बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ, एनी बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ, यानी कोई भी कंपनी अगर जीटीए की सर्विस लेगी, मतलब लेने वाली कंपनी है, तो उसे ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। जैसे स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है, राइट, अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली, मैंने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस क्यों ली होगी, मान लेते हैं मुझे ऑफिस में फर्नीचर मंगा रहे हैं बाहर से, ठीक है, तो फर्नीचर ट्रांसपोर्टेशन से ट्रक वाले से आ रहा है, तो जीएसटी मुझे ही पे करना पड़ेगा उसका, ट्रक वाला तो बस मुझसे भाड़ा ले लेगा, भाड़े पे जो जीएसटी बनता है वो मुझे पे करना पड़ेगा। एनी पार्टनरशिप फर्म वेदर और नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एसोसिएशन पर्सन, तो कोई पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है, तो उसको जीएसटी पे करनी है। लेने वाले अगर पार्टनरशिप फर्म है, ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेने वाला पार्टनरशिप फर्म है या एओपी है, तो जीएसटी उसे पे करना है। एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, या कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, आइए ये एक नया वर्ड है आपके लिए, इसको सिखाते हैं आपको, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। व्हाट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, समझिएगा बहुत अच्छे से इस बात को। मान लीजिए मैं यूपी में एक रजिस्टर्ड डीलर हूं, ठीक है, और मैं यूपी से ही पूरे देश भर में सप्लाई करता हूं,
पूरे देश भर में सप्लाई करता हूँ, यूपी से बिहार में सप्लाई करता हूँ, एमपी में सप्लाई करता हूँ, राजस्थान में सप्लाई करता हूँ। एक बात बताइए, मुझे कितनी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है? आई नीड जस्ट वन सिंगल रजिस्ट्रेशन। मुझे सिर्फ यूपी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, लेकिन क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लायर एक ही है, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लायर एक ही है, क्या है? यूपी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कितनी है? बहुत सारी है, हम तो पूरे देश भर में सप्लाई करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्लेस ऑफ सप्लायर जितना होगा उतनी ही रजिस्ट्रेशन होगी। जैसे मान लीजिए मेरा यूपी में भी प्लेस ऑफ सप्लायर है, मतलब मैं यूपी से भी सप्लाई करता हूं और बिहार से भी सप्लाई करता हूं, मतलब मेरी एक दुकान यूपी में, एक दुकान बिहार में, ठीक है, तो मुझे यूपी में भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, बिहार में भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ठीक है, स्टेट वाइज यहां रजिस्ट्रेशन होगा अलग अलग स्टेट का। लेकिन अगर मैं यूपी से पूरे देश भर में माल बेचता हूं तो इससे फर्क नहीं पड़ता, फिर मुझे रजिस्ट्रेशन सिर्फ यूपी में ही चाहिए, राइट। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है, मैं समझाऊं। मान लीजिए मैं यूपी में एक रजिस्टर्ड डीलर हूं और बिहार में कोई मेला लगने वाला है, ठीक है, तो मैंने सोचा मैं काम करता हूं, थोड़ा सा झोले में माल वाल भर के लेके बिहार चला जाता हूं और उसी मेले में अपना ठेला लगाऊंगा और माल बेच के चला आऊंगा, 4 दिन का मेला है, बेच बाच के चला आता हूं, राइट। तो मैं बिहार से, अब मैं बिहार जा रहा हूं मेले में लगा के, मैं माल बिहार से बेचूंगा, तो क्या मुझे अब मेरा प्लेस ऑफ सप्लायर क्या हो गया? बिहार भी हो गया, मैं बिहार से सप्लाई कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, यूपी से अगर मैं बिहार बेच दूं माल तो मुझे रजिस्ट्रेशन बिहार में नहीं चाहिए, भाई मैं यूपी से पूरे देश में माल बेच दूं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं माल यूपी से बेच रहा हूं इसलिए मुझे रजिस्ट्रेशन यूपी में चाहिए। लेकिन अगर मैं झोले में भर के माल एक मेले में चला गया बिहार के, और बिहार में मैं 4 दिन 10 दिन माल बेचूंगा, तो वो जो मैं बिहार से माल बेच रहा हूं वहां पे प्लेस ऑफ सप्लायर क्या हो गया मेरा? बिहार। तो मुझे रजिस्ट्रेशन बिहार में चाहिए? आंसर इज यस, मुझे रजिस्ट्रेशन बिहार में चाहिए, ठीक है। मुझे ही कहा जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो कैजुअली, मतलब कैजुअल तौर पर कहीं और जाके माल सप्लाई करता है, तो उसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहा जाता है, और वो टैक्सेबल ही होगा। रीजन बीइंग कि अगर आप यूपी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको बिहार में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। मतलब अगर एक रजिस्टर्ड व्यापारी दूसरे स्टेट में जाता है एक दिन के लिए भी, एक घंटे के लिए भी माल बेचने, तो उसको उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अच्छा, अब आप ये नहीं सोचिएगा कि यूपी बिहार से, तो दिल्ली में जाके बहुत सारे लोग ठेला लगा रहे हैं, चाट का, गोलगप्पे का, सब कुछ लगा रहे हैं, तो क्या वो दिल्ली जाके रजिस्ट्रेशन लिए? अरे नहीं बाबा, कौन सा, वो यूपी में था तो रजिस्ट्रेशन ले रखा था, कि अपना ठेला उठा के दिल्ली चला गया तो रजिस्ट्रेशन ले लेगा जीएसटी में। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप रजिस्टर्ड हो एक पर्टिकुलर स्टेट में और कैजुअली किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हो 2-4 दिन के लिए माल बेचने के लिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अरे आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो कहीं भी, तो फिर आपको नहीं जरूरत है, ठीक है, तो छोटा व्यापारी होगा ना। जो व्यापारी यूपी में रजिस्टर्ड है वो तो बड़ा व्यापारी होगा, उसका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होगा, तभी तो वो यूपी में रजिस्टर्ड था, इसीलिए वो एक दिन भी बिहार जाके माल बेच रहा है तो कह रहा है रजिस्ट्रेशन लो तुम, ठीक है। और जो यूपी में ठेला वाला अनरजिस्टर्ड था, वो बिहार में भी जाके माल बेचेगा तो अनरजिस्टर्ड ही रहेगा, उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो छोटा व्यापारी है ना। वो यूपी में रजिस्टर्ड क्यों नहीं था? क्योंकि वो छोटा व्यापारी है, इसलिए बिहार में भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन उसका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो जाएगा वो ले लेगा रजिस्ट्रेशन जहां पे भी होगा, ठीक है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आप समझ गए। तो अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर ट्रांसपोर्ट की सर्विस लिया, क्या जरूरत पड़ती है इनको? हाँ, यूपी का मैं रजिस्टर्ड डीलर हूं, मैं बिहार जा रहा हूं मेले में माल लगाने के लिए, लेकिन माल झोले में भर के नहीं ले जा रहा हूं, ट्रक से मेरा माल आएगा यूपी से बिहार, मैं तो जा रहा हूं ट्रेन से, लेकिन मेरा माल ट्रक से आएगा तो मुझे भाड़ा देना है उसका, बिहार में जब वो ट्रक पहुंचेगी तो मुझे भाड़ा देना होगा, भाड़े का जीएसटी कौन देगा? मुझे ही देना है, मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के ऊपर भाड़ा देने की जिम्मेदारी आती है। अच्छा, इतनी बात तो हम लोग ने कर ली, भाषणबाजी तो खूब कर ली हमने, हमने हमें एक बात बताइए आप, एक होता है कंसाइनर, ठीक है, दूसरा होता है कंसाइनी। कंसाइनर कौन होता है मालूम है? जो माल भेजता है, ठीक है, और कंसाइनी जो है वो माल पाने वाला है। कंसाइनर मतलब सप्लायर, ऐसे कह दीजिए, आपकी भाषा में कह देते हैं,
और कंसाइनी मतलब सप्लाई रेसिपिएंट। अब बीच में है ये ट्रक वाला, ठीक है, वो जो ट्रक वाला है जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये सप्लायर ऑफ गुड्स है, ये रेसिपिएंट ऑफ गुड्स है, ठीक है, ये है सप्लायर ऑफ जीटीए सर्विस, ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने वाला सप्लायर तो ये है जीटीए, इसका रेसिपिएंट कौन है? आप समझे, ये माल भेजने वाला है, ये इसको माल भेज रहा है, ठीक है, माल ट्रक से जा रहा है, ठीक है, तो माल बेचने वाला और माल लेने वाला, ये तो बात समझ में आ गई हमको, लेकिन ट्रक वाले की सर्विस देने वाला तो ये जीटीए है, ये ट्रक की सर्विस लेने वाला कौन है? ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने वाला तो ये जीटीए है, ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस कौन ले रहा है, माल भेजने वाले या माल लेने वाला? इन दोनों में से कोई एक होगा, कौन होगा? जो पे कर रहा है भाड़ा, जो भाड़ा देगा वही है लेने वाला सर्विस, ठीक है, रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस कौन है? वन हु पेस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज पे कर रहा है। एग्जांपल से मैं समझाता हूं फिर से ये बात को। अगर ये जो सप्लायर ऑफ गुड्स है, ये ट्रक वाले से कहा भाई इधर आ, ये जो माल है यहां से उठा के एक कंसाइनी के पास पहुंचा दे, जो भाड़ा होता है वो मैं देता हूं तुझे, तो ये कंसाइनर जो है वो रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस है। ये कंसाइनी जीटीए को कांटेक्ट करता है, कहता है मेरा माल ना यहां से उठा के यहां लाना है, मेरा माल, कंसाइनी बोलता है जीटीए को, मेरा माल यहां से उठा के यहां लाना है, लेके आओ मैं पैसा देता हूं। ये कंसाइनी काम दिया है, कंसाइनी बोला है जीटीए को माल लाने के लिए, तो कंसाइनी रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है। अगर कंसाइनर बोलेगा माल पहुंचाने के लिए तो कंसाइनर रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस है, और कंसाइनी माल लाने को बोलेगा तो कंसाइनी जीटीए का रेसिपिएंट है। भाई यही हो सकता है ना, या तो हम ट्रक वाले से क्यों बात करेंगे, हमको अपना माल मंगवाना है इसलिए, या तो अपना माल भेजना है कहीं इसलिए, तो जो उससे बात करता है, जो उसको पैसा देता है जीटीए को, वही रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस है, ठीक है। तो रेसिपिएंट कौन है आपको पता चल गया, अब वही जीएसटी पे करेगा, ठीक है, मतलब अब यहाँ पे दोनों में से कोई एक होगा। तो कंसाइनर अगर भाड़ा दिया है तो कंसाइनर जीएसटी भी गवर्नमेंट को देगा, कंसाइनी अगर भाड़ा दिया है जीटीए को तो कंसाइनी जीएसटी गवर्नमेंट को देगा। अंडरस्टूड? चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो आपको बहुत मजेदार अब लगने वाली है, जो थोड़ा सा आपका दिमाग और खोलेगा भी, कि जीटीए एक ऐसी सर्विस है जो फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज दोनों में फॉल करती है। ओ माय गॉड सर, ये कौन सा नया लफड़ा आप ला दिए। यस, जीटीए इज अ सर्विस विच कम्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज एज वेल एज अंडर रिवर्स चार्ज, दोनों में ही आती है। However, the reverse charge mechanism shall not apply to services provided by GTA by way of transport of goods in a goods carriage by road to. कह रहा है reverse charge shall not apply. अगर service GTA दे रहा है किसको? A department or establishment of central government, state government or union territory. अगर GTA की service central government, state government या union territory की कोई government ले रही है, कोई गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट ले रहा है, मतलब गवर्नमेंट की कोई कंपनी है या गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, अगर ये लोग सर्विस ले रहे हैं तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। लोकल अथॉरिटीज ले रही है जीटीए की सर्विस तो भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी ले रही है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द सीजीएसटी एक्ट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स under section 51 for not making any or and for not for making any taxable supply of goods or services. मैं समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे
कि गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पे काम कराती है, रोड बनवाने का सारी काम तो कॉन्ट्रैक्ट देके कराती है। तो अगर कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख रुपए से ऊपर का होता है, मतलब गवर्नमेंट जो सामान गुड्स खरीदती है प्रोक्योर करती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे देती है, तो 2.5 लाख रुपए से ऊपर का अगर गवर्नमेंट किसी को कॉन्ट्रैक्ट देती है तो जब उसे पेमेंट देती है ना तो TDS काटती है। और ये TDS इनकम टैक्स वाला नहीं है, ये GST वाला TDS है। इनकम टैक्स में भी TDS कट रहा होगा, ठीक है। अब ये GST वाला TDS है, ये 2% TDS काटती है। प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। जिस तरीके से इनकम टैक्स में TDS और TCS होता है, बिल्कुल उसी तरीके से GST में भी TDS और TCS होता है। क्या एक ही पेमेंट पे इनकम टैक्स का TDS और GST का TDS दोनों भी कट सकता है? आंसर इज यस। इनकम टैक्स का कानून अलग चलता है, GST का कानून अलग चलता है, दोनों अपनी अपनी बात कहते हैं। अगर किसी पेमेंट पे इनकम टैक्स का कानून भी टैक्स काटने को कह रहा है और GST का कानून भी कह रहा है तो दोनों ही कटेगा। तो फिर से सुन लीजिए, यहां पे मैं जो समझा रहा था कि गवर्नमेंट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है किसी को और वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर का होता है तो उसकी पेमेंट में से 2% TDS काटा जाता है, ठीक है। और ये TDS पता है कहां रिफ्लेक्ट करता है? जैसे मैं गवर्नमेंट हूं, मान लो मैंने आपका 2% TDS काटा, ठीक है, तो ये 2% जो पैसा काटा है वो आपके GST के खाते में दिखाई देगा। अभी आप ये सब जानते नहीं हो ना, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूं। वो होता है GST कैश लेजर, उसी के अंदर दिखाई देगा। मतलब आपका GST जमा हो गया है, आप एडजस्ट कर लेना। TDS भी तो ऐसा ही होता था ना, टैक्स जमा हो गया आपकी, जब इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनेगी तो वहां से आप एडजस्ट कर लोगे। सिमिलर इज द केस हियर कि आपकी जब GST की लाइबिलिटी बनेगी तो आप उसमें से एडजस्ट कर लेना, ठीक है, आपकी GST के खाते में वो जमा हो रहा है, ऐसे समझ लो। एक एडवांस आपका जमा हो जा रहा है, GST डिपार्टमेंट के पास आपका एडवांस जमा हो गया, ठीक है, वो ऐसे है, उसको बोला जाता है GST कैश लेजर, ठीक है। ये एक ऐसा खाता होता है जिसमें आप कैश पेमेंट GST की करते हैं और फिर जो GST की लाइबिलिटी होती है उसे एडजस्ट करते हैं। तो उसी कैश खाते में जिसमें आप अपना GST जमा करते हैं उसी में वो गवर्नमेंट आपका जमा करा देगी, जितना आपका 2% TDS काटी होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट कोई गुड्स, बहुत सारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, एजेंसीज हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो कोई गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर नहीं रहे हैं, वो कोई सप्लाई अप्लाई नहीं करते, वो तो बल्कि उल्टे लेते हैं बस, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, लेकिन उन्होंने GST में पता है क्यों रजिस्ट्रेशन करा रखा है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने, एजेंसीज ने? वो इसलिए करा रखा है क्योंकि वो जब कॉन्ट्रैक्ट पे कोई चीज लेंगे तो आपका 2% GST काट के जमा करना है उनको, तो GST में रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आपका GST 2% वाला काट के जमा कर सके, जिसको TDS कहते हैं, TDS अंडर GST। तो कह रहा है कि अगर आपने उन्हीं को सर्विसेज दी है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉल नहीं करेगा, ठीक है। यानी ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनके पास GST वगैरह तो, GST रजिस्ट्रेशन वगैरह तो है ही है, ये लोग अपना खुद ही पे कर देंगे, ठीक है। रिवर्स चार्ज यहां GTA यहां पे रिवर्स चार्ज फॉल नहीं करेगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो GTA है वही अपना GST कलेक्ट करेगा और जमा करेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग तो वैसे भी अपने GST जमा थोड़ी ना करते हैं, ये तो बस TDS काट के जमा करने वाला काम करते हैं, ठीक है। ये जो टैक्स होता है ये काट के जमा करते हैं, बस यही इनका काम है। तो इनके ऊपर ये सब लाइबिलिटी नहीं डालेंगे गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह के ऊपर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर। फिर GTA अगर इनको सर्विस देगा तो GTA ही GST जमा करेगा, ठीक है। फर्दर नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई हियर। The supplier has taken registration under CGST Act and exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by him under forward charge. चलिए, अब कह रहा है बात ही खत्म कर देते हैं सारी। अगर मान लीजिए GTA खुद GST में रजिस्ट्रेशन ले ले और चाहता है कि हम ही GST कलेक्ट करेंगे और जमा करेंगे तो सामने वाले पे लाइबिलिटी नहीं जाएगी, ये भी ऑप्शन है। तो यही मैंने आपको कहा था कि GTA फॉरवर्ड चार्ज में भी हो सकता है, अगर वो खुद ही जिम्मेदारी ले ले, है तो ये रिवर्स चार्ज में, लेकिन अगर ये खुद ही GST की लाइबिलिटी ले ले कि हम ही जमा कर देंगे तो ये कर सकता है ऐसा। द सप्लायर हैज इशूड अ टैक्स इनवॉइस टू द रेसिपिएंट चार्जिंग GST एट द एप्लीकेबल रेट्स एंड हैज मेड द प्रिस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन ऑन सच इनवॉइस इशूड बाय हिम।
ठीक है, तो और जीटीए वाले ने क्या किया है कि वो सप्लाई इनवॉइस इशू कर रहा है रेसिपिएंट को, जीएसटी वगैरह चार्ज कर रहा है अपनी इनवॉइस में, तो ऐसे में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा इसमें कई सारी सर्विसेज दी हुई हैं, उन सब के बाद लास्ट में हमने जीटीए के रेट्स वगैरह को भी बताया है, तो आप सीधे वहां आ जाइए जहां पे ये चार्ट खत्म हो रहा है, यहां आ जाइए जीएसटी ऑन जीटीए सर्विस। आगे जीएसटी ऑन जीटीए सर्विस, तो जीटीए की सर्विस पे दो रेट ऑफ जीएसटी लगती है, जीएसटी के दो दो रेट है। ठीक है, जीटीए सर्विस रजिस्टर्ड जीटीए एक्सरसाइजेस ऑप्शन टू पे टैक्स टू इटसेल्फ पे टैक्स, मतलब अगर जीटीए कर रहा है हम फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेंगे, तो उसके पास दो ऑप्शन है, 12% के रेट से पे करे या 5% के रेट से, मतलब वो इनवॉइस में 5% जीएसटी लगाए या 12% लगाए। ठीक है, अगर वो 12% लगाएगा तो उसको पूरा आईटीसी देंगे, और अगर वो 5% लगाएगा तो आईटीसी नहीं देंगे। आईटीसी तो आप समझते हैं ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिल जाएगी, मतलब वो उसकी जितनी परचेजेस पे जीएसटी है उसकी भी उसको क्रेडिट मिल जाएगी। अब एक बात समझते हैं, जो ट्रक वाले होते हैं उनकी इनपुट क्या होती होगी, उनकी इनपुट क्या होती होगी, आइए समझते हैं। एक तो ट्रक वाले ने ट्रक खरीदा है, उस पे जीएसटी होगा, फिर उसके बाद वो ट्रक में पेट्रोल या डीजल भरवा रहा होगा जिस पे जीएसटी होता ही नहीं है, ओके। फिर ट्रक वाला रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा लेता होगा ट्रक की, उस पे जीएसटी लग जाता होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज पे। लेकिन जो सबसे रेगुलर आइटम है, सबसे ज्यादा बड़ा खर्चा क्या होगा एक ट्रक वाले का, अरे पेट्रोल डीजल जो भी डलता है गाड़ी में वही लग रहा होगा सबसे ज्यादा, उस पर जीएसटी होता नहीं है, तो यानी इनको क्रेडिट की कोई ऐसी एज सच आवश्यकता है ही भी नहीं। देखिए ट्रक वाले को ट्रक जो खरीदा है उस पर जीएसटी, अरे वो तो एक ही बार आएगा ना जब ट्रक खरीदेगा, हर महीने ट्रक थोड़ी ना खरीदते जा रहा है, ठीक है, ये तो कोई फ्रीक्वेंट चीज है नहीं। और हो सकता है एक ट्रक वाले के पास ट्रक जीएसटी आने के पहले का ही पड़ा है, जीएसटी आया ही नहीं था उस समय का ट्रक पड़ा है, तो भाई कौन सी चीज पे जीएसटी लग ही रहा है उसका, कोई खास जीएसटी लग भी नहीं रहा है उसका। ठीक है, हाँ हालांकि आप बस ट्रक से रिलेट मत कीजिए, एक ट्रक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का जीएसटी और भी होगा, मैं सिर्फ बड़े कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, उसकी एक ऑफिस होगी, ऑफिस में दुनिया भर के स्टाफ होंगे, वो स्टाफ स्टेशनरी यूज करते होंगे तो स्टेशनरी पे भी जीएसटी लगता होगा, ठीक है, बहुत कुछ होता होगा। ठीक है, उस ऑफिस में एसी फैन ये सब भी लगा, उस पर भी जीएसटी लगा है, राइट, तो उसकी भी तो क्रेडिट मिल ही जाएगी वैसे तो। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर आईटीसी लेना चाहता है, मतलब अपने परचेजेस पे जो जीएसटी पे किया उसको क्लेम करना चाहता है, तो उसको अपने आउटपुट पे 12% जीएसटी लगाना होगा, मतलब जो भाड़ा वो लेगा ट्रांसपोर्टेशन का उस पे 12% जीएसटी लगाएगा। अगर वो आईटीसी ना ले तो उसके पास ऑप्शन है कि वो 5% जीएसटी लगा ले, ठीक है। और अगर रिवर्स चार्ज के तहत अगर वो ये जिम्मेदारी नहीं लेता, कहता है नहीं भाई हम ट्रक वाले, हमको जीएसटी फीएसटी के लफड़े में पड़ना ही नहीं है, तो क्या रास्ता है, तो बहुत सुंदर सा रास्ता है, सामने वाला जीएसटी पे करेगा जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है, और वो जीएसटी किस रेट से पे करेगा, 5% के रेट से, रिवर्स चार्ज में 5% का जीएसटी है। ठीक है ये बात, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, जीटीए सर्विस सारे पे रेसिपिएंट को ही पे करना है ऐसा नहीं है, वो तो बता दिया गया कब रेसिपिएंट को पे करना है, एक फैक्ट्री वाला है, ठीक है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक कंपनी है, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है, पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, इन्हीं को ना रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना है। अगर कोई बाकी कोई रेसिपिएंट ले तो उनको थोड़ी ना रिवर्स चार्ज में पे करना है, अगर उनको रिवर्स चार्ज में नहीं पे करना है तो अब कौन जिम्मेदारी लेगा, क्या ट्रक वाले को मजबूरी है जिम्मेदारी लेना नहीं लेना, आइए ये बात देखते हैं। वेयर रेसिपिएंट इज अदर देन द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, मतलब जिन रेसिपिएंट की हम बात किए थे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, फैक्ट्री वाला होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके अलावा कोई है, जैसे अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर है, जैसे मेरा घर ही शिफ्ट हो रहा है, हम वाराणसी से दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं, तो मेरा घर शिफ्ट हो रहा है तो मेरा सामान जा रहा है ट्रक से, घर का सामान, मेरे बेड वगैरह या फर्नीचर्स ये सब जा रहे हैं, तो मैं भी तो भाड़ा दूंगा, अब क्या होगा, तो देखिए सुनिए, वेयर रेसिपिएंट इज अदर देन द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, जैसे कि अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर है या अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो जीएसटी विल बी एग्जेम्प्ट, तो जीएसटी लगेगी ही नहीं,
अब आपको बात समझ में आई कि अगर ट्रक वाला जो लोगों का नाम लिखा है उनको सर्विस दे रहा है तो जीएसटी उनके ऊपर है, जो स्पेसिफाइड लोगों का नाम लिखा है रिवर्स चार्ज में उनके ऊपर है जीएसटी देने की जिम्मेदारी। अगर उनके अलावा किसी को दे रहा है, ठीक है, अगर उनके अलावा किसी को दे रहा है तो जीएसटी ही एग्जेम्प्ट है, यानी ट्रक वाले को जबरदस्ती जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, राइट। अब देखिए मजबूरी कहां पे हो जाती है, मैं आपको समझाऊं। तो यानी ट्रक वाला अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना ले तो चल जाएगा? नहीं। अब आप समझिएगा कहां पे मजबूरी हो रही है। अब मैं एक सोसाइटी वाला हूं, ठीक है, मैं एक सोसाइटी हूं, मेरा जनरेटर आ रहा है, ट्रक वाला है को मैंने बोला कि जनरेटर ला दो। ट्रक वाले ने पूछा भाई जीएसटी की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है, तुम रेसिपिएंट हो। हमने कहा नहीं यार, हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है ही नहीं, हम तुम्हारे एक भाड़े के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना लेंगे, हम लोग तो 2,000 रुपया महीना का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता भी नहीं है हम लोग को तो। लेकिन भाई रिवर्स चार्ज आ जाएगा, अगर जीटीए से सर्विस लिए तो सोसाइटी को देना पड़ेगा जीएसटी। लेकिन मैंने एक बात बताई कि अगर ट्रक वाला ये जिम्मेदारी ले ले तो नहीं आएगी जिम्मेदारी, मतलब क्योंकि यहां पे जीटीए में फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई हम तो तुम्हारी ये पंगा नहीं लेंगे, अगर तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तभी हम तुमसे माल मंगाएंगे, नहीं तो तुमसे तुम्हारे से ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे ट्रक वाले को पकड़ने चले जाते हैं जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, नहीं तो मेरे ऊपर मजबूरी हो जाएगी जीएसटी पे करने की, जिसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अरे एक बार जनरेटर मंगा रहे, जीवन में फिर थोड़ी ना कुछ मंगाएंगे, हो सकता है जरूरत ही ना पड़े, कौन पंगा लेगा ये सब। तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी ट्रांसपोर्ट कंपनी रजिस्ट्रेशन ले रखी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिवर्स चार्ज में सिर्फ जीटीए की सर्विस ले लिए इसलिए थोड़ी ना रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं एक फैक्ट्री हूं, ठीक है, अभी मेरा छोटा टर्नओवर है, हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन अगर हम ट्रक से माल मंगाएंगे तो हमको जीएसटी पे करना है, तो यार हम मंगाएंगे ही नहीं ऐसे ट्रक वाले से जिस जहां हमको पंगा हो जाए, हम तो ऐसा ट्रक वाला ढूंढेंगे जो फॉरवर्ड चार्ज के तहत खुद जीएसटी लेता है। तो बताइए वो जो ट्रक वाला है वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो उसका धंधा चौपट हो रहा है? हो रहा है, मैंने आपको बताया ना, देखिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आपको धंधा बढ़िया से करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं मार खाओगे, कोई ना कोई आ जाएगा जो आपसे टकराएगा और कहेगा नहीं तेरे साथ धंधा नहीं करना, क्यों? क्योंकि तू जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अंडरस्टूड। तो इसलिए यू विल फाइंड कि देयर सर्टेन ट्रक वाला जो ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो रिवर्स चार्ज में फॉल करती है, लेकिन फिर भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, ताकि बहुत सारे लोग जो रिवर्स चार्ज के तहत ये लायबिलिटी को नहीं लेना चाहते, हालांकि जिम्मेदारी उन लेने वाले के ऊपर है, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए ट्रक वाला रजिस्ट्रेशन करा लेता है। रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस कौन होता है, लेने वाला कौन होता है? मैंने बताया जो भाड़ा देता है वही लेने वाला होता है, ठीक है। इज द पर्सन हु पेज और इज लायबल टू पे फ्रेट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन गुड्स कैरियज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। व्हाट इज टैक्सेबल टेरिटरी? द इंडिया इज टैक्सेबल टेरिटरी। यहां पे ये दोनों बातें लिखी हुई है, 5% जीएसटी का रेट है, जहां पर GTA has not taken ITC, GTA ने ITC नहीं ली है for supplying GTA service, ठीक है। और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि there can be either of the cases where GTA exercises the option to pay itself the GST at the said rate or does not exercise option to pay itself pay GST at the said rate on services supplied by it, यानी खुद नहीं पे कर रहा, मतलब रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में 5% का जीएसटी है और फॉरवर्ड चार्ज में भी 5% का जीएसटी है अगर वो आईटीसी ना ले तो। अब 12% जीएसटी कब है? जब वो आईटीसी लेगा और ये फॉरवर्ड चार्ज में ही होगा, मतलब रिवर्स चार्ज के तहत 12% जीएसटी नहीं होता, सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज में ही 12% का जीएसटी होगा। वे जीटीए एक्सरसाइजेज द ऑप्शन टू पे इटसेल्फ द जीएसटी एट द सेड रेट और यहां पे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अवेलिंग आईटीसी, उसको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो आई होप आज की क्लास में मैंने आपको ना पूरा जीटीए समझा दिया। मेरा टारगेट तो था आपको पूरा सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 बताएंगे सारे रिवर्स चार्ज की सर्विस, बट वी हैव डेडिकेटेड द एंटायर टाइम ऑन टू जस्ट वन सर्विस दैट इज जीटीए, और इस जीटीए सर्विस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में भी करता है। तो आई होप आई हैव ट्राइड टू जस्टिफाई दिस जस्ट वन सर्विस जीटीए, राइट। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में आते हैं तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 की बाकी सर्विसेज को देखेंगे। विल स्टॉप हियर।